हुई जीवन की खारी, करे भोला के संग शादी, अरे वे मन मोही भरतार, शिव के जवाब दिया है गिरजन, अपने मन में सोच रही है और ये 20 रुपए ऋषिपाल भैया की तरफ से आ रहे हैं। कामना करेंगे भैया के जीवन में खुशियां बरसती रहें। और इनका कहना है कि छाप लगा दूं, काय की छाप लगा दे भैया। और 21 रुपए अवधेश सागर की तरफ से, इनका कहना है कि बैठकर गम की तन्हाइयों में आओ, ज्यादा नहीं एक लाइन देखते हैं। कि बैठकर गम की तन्हाइयों में, बैठकर गम की तन्हाइयों में, और तेरे बारे में सोचा करेंगे, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की, बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा याद आने पे देखा करेंगे, सामने रख के तस्वीर उसे जी भर के देखा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे, जब बोलिए बाके बिहारी लाल की।
सुख से फल खबर दे रहे तुम्हें असीसा और सदा खाली भैया रहियो पथरा के जगदीसा भैया के रोजे केनो मरिया सुख से बीते रे पवित्र अरे बखत परे पैके भैया रोवे बहना रोत तीज त्योहार बोलिए सच्चे दरबार की। इधर गिरजा चली है भगवान का भजन करने के लिए, भोले बाबा का भजन करने के लिए।
जंगल में पहुंची हैं और गिरजा भगवान भोले बाबा का भजन करने लगी है। हुआ क्या, अक्षमात संत ऋषियों का आना हुआ। गिरजा को जैसे ही धूप में खड़े देखा भजन करते हुए, तो संत ऋषि गिरजा के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया है, लाली तुम तो हमें महाराज हेमांचल की पुत्री मालूम पड़ती हो। गिरजा ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, हेमांचल की पुत्री ही हूँ। जब ये बात कही है तो जवाब दिया है, तुम इस वन में क्या करने के लिए आई हो और ये तपस्या किस लिए कर रही हो, किन के लिए कर रही हो। गिरजा ने जवाब दिया है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, हम चाहे किसी की भी पूजा करें। जब ये बात कही तो संत ऋषि कहने लगे, सुनो गिरजा, और क्यों को मलया जलाती हो, और किस फल को इतना व्याकुल हो, किस कारण जवाब दिया है क्यों गिरजा, किसका भजन कर रही हो और किसे मना रही हो। गिरजा ने कहा, भजन तो भोले बाबा का कर रही हूँ और भोले बाबा का भजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भोले बाबा के साथ में हम अपनी शादी करेंगे, इसलिए भजन कर रही है। संत ऋषि कहने लगे हैं, गिरजा तुम्हें कोई मिलाई नहीं, तुम्हें भोले बाबा ही जो उम्र से भी बूढ़े हैं, ना उसके घर है ना घाट है, तुम क्या करोगी जाकर के, भंगिया पीता रहता है। अरे किसी भी देवता की पूजा कर लेती, जरूरी था भोले बाबा का भजन करना। गिरजा ने जवाब दिया, भजन करूंगी तो भोले बाबा का करूंगी, वरना किसी का भी भजन नहीं करूंगी। और शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ में। जैसे ही इतनी बात कही, संत ऋषियों ने बड़ा समझाया, लेकिन गिरजा की कोई भी बात समझ नहीं आई और संत ऋषि वहां से चले आए। जब वहां से संत ऋषि चले गए, गिरजा तपस्या करने लगी हैं। इधर हुआ क्या,